हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ESSC ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके CHSL और CGL में। कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, और इसमें कई क्वेश्चंस आपको न्यू भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रीस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, यानी कि किसी भी बॉडी के पार्ट को रब करना, उसको गर्म करने के लिए, सेंसेशन उत्पन्न करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं चैफ, CHAFE चैफ, इसे चैफ बोलते हैं, CHAFE चैफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मलना, रगड़ना या पीसना कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, चैफ, चैफ का मतलब होता है रबिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू टीच अ पर्सन टू सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, यानी कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना, टीच करना किसी भी चीज़, यानी कि किसी भी चीज़ पे भरोसा दिलवाने के लिए अनक्रिटिकली रूप से, तो उसे कहते हैं टू इनडॉक्ट्रिनेट। यानी कि जैसे डॉक्ट्रिनेट का मतलब होता है कोई सिद्धांत, कोई भी रूल नियम जो पहले के चले आ रहे हैं उसे कहा जाता है डॉक्ट्रिनेट। तो टू इनडॉक्ट्रिनेट का मतलब होता है किसी को टीच करना, किसी भरोसे सेट ऑफ बिलीव्स को, भरोसे को टीच करना, यानी उसको उसके बारे में बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मल्टीप्लाई होना, यानी कि नंबरों का, संख्याओं का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना एकाएक, उसे क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोलीफेरेट। प्रोलीफेरेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, मल्टीप्लाई होते जाना बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्रोपागेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रचार करना, प्रसार करना, फैलाना, और एस्केलेट का मतलब भी बढ़ाना होता है, लेकिन जब एकाएक इंक्रीज होने का जो सैनोनियम होता है वो डायरेक्टली होता है आपका प्रोलीफेरेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोलीफेरेट, यानी कि इंक्रीज होना रैपिडली किसी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एलाय द सॉरो और ग्रीफ। एलाय का मतलब होता है शांत करना, यानी कि किसी भी चीज़ को सूत करना, यानी कि एपेटाइज करना, कम करना, जैसे दुख को या जो भी शिकायत है उसको कम करना, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कंसोल। आपने जैसे कि कंसोल का मतलब आप याद रखिएगा, सांत्वना देना होता है या किसी को दिलासा दे करके उसकी दुख तकलीफ को कम करने की कोशिश करना। लैमेंट का मतलब तो दुखी होता है, जो ऑप्शन नंबर पहले में लिखा है लैमेंट, इसका मतलब दुखी होता है। और जो आगे आपका डिस्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस का मतलब भी तनाव होता है। सोलेस का मतलब स्मगनेस होता है, यानी कि किसी भी चीज़ की संतुष्टि होना। और कंसोल का मतलब होता है दुख कम करना, शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन, रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। तो रिसेंटली डेड पर्सन को कहा जाता है डिसीज्ड मतलब होता है कोई भी रिसेंटली डेड पर्सन को बोला जाता है डिसीज्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पनिशमेंट ऑफ बीइंग कैप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स, यानी कि जैसे कि स्कूल में या फिर ऑफिसेज में या जहाँ पे भी आप जाते हैं, वहाँ पर अगर आपको समय, जैसे कार्य आपका जो वहाँ पे रहने का समय है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी आपको डिटेन किया जाता है, वहाँ पे रोका जाता है, तो उसको डिटेन करना बोलते हैं, यानी डिटेंशन बोलते हैं उसको। ठीक है, डिटेंशन, प्री टेंशन, पहले की टेंशन, आइसोलेट करना, यानी जैसे आइसोलेट मतलब यू नो विखंडित कर देना, जैसे भी बोला जा रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर किसी की प्रशंसा करना या उसको अप्रूवल देना, अप्लाउड करना, प्रशंसा करना। अगर आप कहीं पे खड़े होकर कोई स्पीच देते हैं या फिर आप किसी चीज़ के बारे में किसी को बताते हैं, अपने एजेंडा के बारे में, वो खुश हो जाता है तो वो आपको अप्लाउड करता है, अप्लाउड करता है। एक्सटोल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, EXTOL, एक्सटोल का मतलब भी खुशी। यूलोजाइज का मतलब होता है, यूलोजी मतलब यू नो किसी की प्रशंसा करना, तो वो भी एक तरीके से प्रशंसा करना होता है। हेल मतलब सम्मान करना, पर यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, अपलाउड, यानी कि ताली बजाकर प्रशंसा करना।
ऑफ अ कैट, यानी कि ये बिल्ली से संबंधित है। क्या है देखते हैं, टू मेक अ लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट, यानी कि बिल्ली के आवाज को, धीमी आवाज को क्या बोलते हैं, जो वाइब्रेट के कर करके थोड़ा सा बोलती है बिल्ली, उसे बोलते हैं टू पर। याद रखिएगा, पर मतलब होता है बिल्ली के घुरघुराने की आवाज, और जो बिल्ली की वैसी नॉर्मल आवाज होती है उसे बोलते हैं मियाऊ। पर जो थोड़ा वाइब्रेटिंग साउंड जो क्रिएट करती है बिल्ली घुरघुराने की आवाज, उसे बोलते हैं टू पर। रॉर मतलब दहाड़ना, बज मतलब जैसे वो मधुमक्खी की जो बहुत सारी आवाजें होती हैं बजिंग करना, उसे कहा जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पर। नेक्स्ट है, टू कट ऑफ अ ब्रांच लिम्ब और ट्विग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री, यानी कि क्या करना, जो किसी भी पेड़ की शाखा है उसको काट करके उसके उसको काट करके अलग करना। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे डोलोप, डोलोप का मतलब हो जाता है कि जैसे कि बड़ा टुकड़ा, उसे बोलते हैं डोलोप। कोई बड़ा टुकड़ा होता है किसी भी चीज़ का तो उसे बोलते हैं डोलोप। क्लॉप, क्लॉप आप ऐसे समझ सकते हैं, एक शब्द होता है ना क्लिप क्लॉप, CLIPCLOP, क्लिप क्लॉप, धम धम की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं क्लॉप। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है लोप, LOP, लोप। लोप का मतलब होता है कि जैसे कोई पेड़ है उससे उसकी शाखाओं को काट करके अलग करना। अगला क्वेश्चन है, टू रमेज अबाउट अ प्ले इन अ प्लेस और कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग। रमेज का मतलब होता है थोड़ा अस्त व्यस्त कर देना, मतलब जैसे कि ढूंढते समय हम चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, उथल पुथल। तो रमेज का मतलब होता है उथल पुथल करना। तो रमेज अबाउट इन अ प्लेस, यानी कि किसी भी जगह को या किसी कंटेनर को उथल पुथल कर देना सर्च करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो इसका जो आंसर हो जाता है फेरेट हो जाता है इसका आंसर। पोक, आप झांकना, जैसे आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे पोक किया आपके उस दो मित्र ने आपको पोक किया, तो ये हो जाता है फेरेट। आप याद रखिएगा फेरेट के बाद जो प्रीपोजिशन है वो आउट लगता है। वैसे एक फेरेट का जो मतलब होता है FERRET, इस फेरेट का मतलब एक तरीके से नेवला होता है या नेवले की कोई प्रजाति टाइप के होता है, उसे फेरेट बोलते हैं। लेकिन अगर इसके बाद आप आउट लगा देंगे तो फेरेट आउट का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज को फाइंड आउट करना, खोजना, तलाशना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड कोर्स, यानी कि कोई भी आपका एस्टेब्लिश्ड कोर्स है प्री डिटरमाइंड, जो आपने पहले से निर्धारित कर रखा है। जैसे कि हम किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं, कोई मान लीजिए कि 3 महीने का कोर्स है, हमें पता है कि पहला स्टेप जाने का है, दूसरा स्टेप जाने का है, तीसरा स्टेप जाने का है, लेकिन हम बीच में ही डिपार्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं या भटक जाते हैं, तो उसे बोला जाता है टू डेविएट होना, यानी पथ भ्रष्ट, अपने टारगेट से हट जाना। रेलिंग का मतलब वो घूमना होता है, जैसे भंवर में रेलिंग हो जाता है, एयर गलती करना, वेंडर इधर उधर भटकना। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा डेविएट, DEVIATE, डेविएट का मतलब होता है पथ भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, having or displaying an overly critical point of view, यानी कि having or displaying an overly critical point of view, यानी कि अपना एक तरीके से point of view देना, harsh या critical point of view देना किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी topic के ऊपर, उसे कहा जाता है judgmental। judgmental मतलब होता है ये मतलब कोई point of view को show करना। hallucination मतलब भ्रम होता है। कॉन्ट्रा वैन, कॉन्ट्रा आप लोगों ने गेम खेला होगा बचपन में, CONTA, कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, किसी के विरोध खड़ा होना, तो वहीं से बन गया कॉन्ट्रा वैन मतलब विरोध, एक्सपांस फैलाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो जाएगा ये हो जाएगा जजमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स, यानी कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से अपनाना, प्राप्त करना, चाहे वो धमकी देकर हो या बलपूर्वक हो या कोई भी अनफेयर मैनर से हो, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एक्सटॉर्ट करना, EXTORT। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को छल कपट से हथियाना। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। रीसेंट का मतलब होता है किसी को क्रोध में ला देना या कोई नाराज कर देना। एक शब्द होता है RESENTMENT, रिजेंटमेंट, जिसको बोलते हैं नाराजगी, नाराज कर देना। और एनकम्पास मतलब होता है एनक्लेव कर देना। एनकम्पास का मतलब होता है एनक्लेव, यानी कि चारों तरफ से घेर लेना, एनकम्पास कर देना।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटॉट। नेक्स्ट है हमारा अ शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ, यानी कि कोई ऐसा छोटा स्टेटमेंट देना जो कि जनरल ट्रूथ या बिलीफ को बता रहा हो। तो अभी हमने स्टार्टिंग में एक शब्द पढ़ा था डॉक्ट्राइन, यानी कि कोई सिद्धांत, ट्रूथ, तो यहाँ पर उसका एक है मैक्सिम। मैक्सिम मतलब होता है कोई ट्रूथ या सिद्धांत, तो आप याद रखिएगा मैक्सिम। मैक्सिम मतलब होता है कोई भी जो पहले की बात है नीति मान से, हिंदी में आपसे नीति बोल सकते हैं, ठीक है मैक्सिम। इन्फर, इन्फर का मतलब होता है, ये अच्छा शब्द है इन्फर, एक ये द हिंदू में आप काफ़ी देखने को मिलेगा आपको। इन्फर का मतलब होता है कोई रिजल्ट निकाल के देना, कोई कंक्लूजन देना, कोई रिजल्ट निकालना, ठीक है निष्कर्ष निकालना, तो उसे कहते हैं इन्फर। इन्फर्ड मतलब होता है कहीं से कोई रिजल्ट निकल के आया, तो हालांकि इसका इन्फर से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, लगता नहीं है इसका आंसर रिजल्ट जैसा होगा, लेकिन इसका मतलब होता है कोई कंसिक्वेंसेस सामने निकल के आना, यानी इन्फर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू हेरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कोई काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेरास करना, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा जोर देना, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करना किसी भी काम को करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब तो मूर्ति भंजक होता है, जैसे जो मूर्ति का विरोध करता है ना, जैसे कि हम पूजा करते हैं भगवान की मूर्ति से, तो जो विरोध करता है उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। डोट, डीओटी, डोट, डोट का मतलब होता है सठियाना, स्नेह में डूबना, जैसे कि कोई किसी के प्यार में बहुत ज़्यादा डूब जाता है, फिर उसको कुछ दिखता नहीं है, इन्फेचुएट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको बोला जाता है डोट हो जाना। एक है आपका न्यूरोटिक, इसका मतलब भी होता है थोड़ा पागलपन, पागलपन जैसे ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं तो जिस तरीके से हालत हो जाती है न्यूरोटिक। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बचा है ये आपका इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है किसी को जोर देना किसी भी काम को करने के लिए, इम्पॉर्च्यून कर देना बहुत ज़्यादा, जैसे कि आजकल जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्च्यून करते हैं बच्चों को रट्टा मारने के लिए, SSC जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्च्यून कर रही है बच्चों को, आप समझ सकते हैं बाकी इनके बारे में क्या बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पॉर्च्यून, आप याद रखिएगा इसे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे है, हमने जो आज के 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया, हम आगे और लेकर के 15 आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और कुछ कॉमेंट करना चाहें तो कॉमेंट में करके कुछ बता भी सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।